ये है जमशेदपुर का गोड़गोड़ा गांव, जो कुछ समय पहले तक झारखंड के अन्य गांवों की तरह ही सिंचाई की समस्या से जूझ रहा था। लेकिन आज यहां के खेतों में सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये सब कुछ संभव हो पाया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मा के सहयोग से, कितना ऊंचा चढ़ रहा पानी ये पहले बताइए, जिन्होंने किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुनने के बाद लिफ्ट इरिगेशन की मदद से पानी को खेतों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने भी पूरी समझदारी दिखाते हुए सहयोग करने का वादा किया। गोड़गोड़ा गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर डिमना नाला होने के बावजूद यहां के खेत सूखे रह जाते थे। नाले की सतह खेतों से काफी नीचे होने की वजह से यहां के ग्रामीण चाहकर भी इस नाले के पानी को अपने खेतों तक नहीं पहुंचा पाते थे। ग्रामीणों के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मा ने मिलकर इसी पानी को खेतों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वर्षों से इस पानी पर टकटकी लगाए किसानों के लिए तो ये योजना मानो एक सपने जैसा था। तय हुआ कि 2.25 लाख की इस योजना में किसानों का योगदान 25% का रहेगा, जिसे वो श्रम दान के रूप में चुकाएंगे। यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मा का सहयोग 1,65,000 का होगा और ग्रामीण 50,000 का सहयोग करेंगे। दोनों ही पक्षों ने अपना अपना वादा बखूबी निभाया। फिर शुरू हुआ एक ऐतिहासिक योजना, जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीण नरेश किस्कू को सौंपी गई। ग्रामीणों के साथ बैठकर पूरे योजना की रूपरेखा तैयार की गई। उसके बाद किसानों ने अपने हिस्से का योगदान श्रमदान के जरिए पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर और पंप हाउस बनाने में सहयोग करके पूरा किया। आठ HP का एक शक्तिशाली पंप लगाया गया, जो डिमना नाले से पानी को खींचकर 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ देता है, ताकि पूरे प्रेशर से पानी को दूर दराज खेतों तक पहुंचाया जा सके। हजार 100 फीट लंबी पाइप के सहयोग से पानी को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अलग अलग जगहों पर 6 बनाए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके। जुलाई 2010 में बनकर तैयार हुए इस योजना की मदद से गांव में रह रहे अब तक
60 में से 35 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और 50 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है, जिसे भविष्य में जरूरत के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। ये इस योजना की ही देन है कि सूखे की मार झेल रहे प्रदेश में गोड़गोड़ा गांव के ये 50 हेक्टेयर खेत लिफ्ट इरिगेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लहलहा रहे हैं। आठ एचपी के इस पंप को 5 लीटर डीजल से 3.5 घंटे तक लगातार चलाए जाने से सभी खेतों की सिंचाई एक साथ की जा सकती है। शुरुआत के दिनों में इस योजना की सबसे बड़ी समस्या पंप के रखरखाव और डीजल के बंटवारे की आ रही थी, जिसे ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से दूर किया। चूंकि हर खेत को एक साथ पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मिल बैठकर तय किया गया कि जिस किसान को जरूरत होगी वो अपना डीजल लाएंगे और जरूरत के हिसाब से पंप में डालकर अपने खेतों को पटाएंगे। इसके संचालन के लिए नरेश किस्कू को नियुक्त किया गया। हम लोग कई आत्मा के सहयोग से के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिसे लिफ्ट इरिगेशन का प्रावधान है। ठीक है, इस लिफ्ट इरिगेशन में 25% समूह का लाभ सहयोग है और बाद बाकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत है। तो इस योजना के तहत जितने नाला के द्वारा हम लोग लिफ्ट करके पानी उठाते हैं, ठीक है, और पानी उठा करके डायरेक्ट हम लोग 3000 फीट तक उसको ले जाते हैं और उस 3000 फीट का इतने करीब करीब 30 से 35 किसान इसमें लाभान्वित है और करीब करीब 50 हेक्टेयर में सिंचित हो पा रहा है अभी। पंप और पाइप के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों की ही है। पानी पहले तो लिफ्ट इरिगेशन नहीं थे, इसी से हम लोग तो चेष्टा बहुत रखते थे, फिर भी ये तो ऊपर वाला का भरोसा से ही हम लोग खेती करते थे और जब पानी गिरी तब तो खेती हो रही थी, नहीं तो सूखा ही सूखा हम लोग खेती हम लोग का पड़ा रहता था। हर दिन तो सरकार नहीं दे पाएगी सहयोग के लिए। अभी हम लोग जितना भी गांव वाले 60 घर हैं और जितना किसान भाई लोग अगल बगल के सब के सहयोग से ही हम लोग खेती को बढ़ाते हुए चलते जाएंगे, कभी चौकी हम लोग को आगे जाके तकलीफ ना हो। अभी जो हम लोग खेती कर रहे हैं, ये लिफ्ट इरिगेशन मिलने के बावजूद हम लोग को बहुत लाभान्वित हो चुके हैं, इसी से हम लोग खेती कर रहे हैं। इसी तरह से आज भी गोड़गोड़ा गांव के लोग समय समय पर बैठक कर इस बात पर चर्चा करते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन की इस योजना को और कारगर कैसे बनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। गोड़गोड़ा के किसान भाई अब इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अब वो रबी के मौसम में भी अपने खेतों की सिंचाई कर उनमें खेती कर पाएंगे, जो कि पहले असंभव सा लगता था। सर, इस योजना से हम लोग जितना भी किसान भाई लोग हैं, हम लोग सभी खुशी में है। अभी तो हम लोग धान लगा चुके हैं, धान कटने के बाद हम लोग बहुत किस्म का सब्जी लगाते हैं, जैसे कि लौकी हुआ, करेला हुआ, नेनुआ हुआ, बरबट्टी हुआ और गाछ में से भिंडी हो गया, ये सब साग सब्जी में से हरा साग में से पलक हुआ, उनका साग हुआ, डाठा साग हुआ, ये सब हम लोग लगाते। धान कटने के बाद ही अब अक्टूबर महीने जैसा घुसेंगे तब से हम लोग चालू कर देंगे। किसानों के हंसते हुए चेहरों पर इनके सुरक्षित भविष्य को अब साफ देखा जा सकता है।
ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफान